राधा हमारी रोया गोरी हमारी श्री राधा गोरी है। राधा हमारी गोरी गोरी चंद्र चकोरी कन्हैया के होकारो है। राधा हमारी गोरी गोरी चंद्र चकोरी कन्हैया के देखियो कैसा मान करके बैठ गयो है। देख सखी तू मेरे लाला ते कारो मत कहे। क्यों? मेरो लाला कारो नहीं है तो? वह तो यहाँ जगत का उजियारो है और मेरे नैनन का तारो है। जो मेरे कन्हैया ते कारो कहे बामे तो बड़ी थोड़ी मती है। अच्छा। थोड़ी मती ना बामे मती है ही ना। हाँ है ही ना है। और यहाँ में तो नेको ना है। हाँ। मैया हाँ। आप अपने लाला को चित्र बनवाना चाहो ना। हाँ हाँ। तो यह ब्रज मंडल में एक ऐसी ब्रज गोपी है वहां को सरस्वती को वरदान है वो जाको भी चित्र बनाना चाहे वो सहज में ही बनाए के दे देगी। बड़ा ही सुंदर चित्र बनाना जाने है वो। कोई गोपी बनावे चित्र? हाँ। कहाँ नाम है वाको? नाम है उनको चित्रा जी। चित्रा जी ये कौन है भैया? इनको नाम तो कहो ना सुनो। हाँ बेटा मैंने हूँ ना सुनो। कोई चित्र बनाए भी बारी है तो सखी तो भैया मेरा चित्र बना देंगी। अरे हाँ अरे बड़ा सुंदर चित्र बना देंगी आपको। तो सखी तू तो उनके समीप जा और उनसे कहियो कि मैया ने आपको बुलाया है। आप बुला तो लाऊंगी पर चित्र बनवाना तो बेकार है कछु ना आवेगो। अरे ना ऐसे ना करो करें। तू ना जल भर भी आई हो तब बताऊंगो। अब उधार रही हाथी करवाई ना तुमने मेरी। अरे चित्रा जी है का? चित्रा जी सूरत जली आई। चित्रा जी मैं आपको आप सुदेवी आपको स्वागत है मेरे यहाँ। कैसी कृपा करिए चित्रा जी करो मैं आपकी कहाँ प्रिय सेवा कर सकूँ? एक बात बताओ यह समय आप कहाँ कर रही हो? मैं कहाँ कर रही हूँ? मैं तो यह समय सुदेवी वेदांत को अध्ययन कर रही हूँ। अपनो यह मन मैंने संसारी जीवन सो हटाए के व परमात्मा में लगाए दियो है। अहर्निश में परमात्मा को ध्यान करो करूँ यही कर रही हूँ। तो का चित्रा जी आप अपनो विवाह नहीं कराओगी? नहीं सुदेवी मैं अपनो विवाह नहीं कराऊंगी। क्यों? मैं अपना विवाह कराए कि कहा करूं सुदेवी। यह जीव यही जन्म ले है और यही मर जाए है और अंत में मरवे वारो पति दुख दे के जाए है। यह सो मैंने ये प्रतिज्ञा करी है संकल्प लियो है कि मैं आजीवन ब्रह्मचारिणी रहूंगी। मैं अपनो विवाह नहीं कराऊंगी और मैं तो काउ पुरुष को मुख ही नहीं देखूं। कहा पुरुष के नाम सुन ही मुख को घृणा है। आप काउ पुरुष को मुख ही नहीं देखे? मैंने यहाँ ब्रजमंडल में रह के आज तक काउ पुरुष को मुख ही नहीं देखो है। काउ को मुख नहीं देखो? नहीं। ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। तो चित्रा जी
कहा आपने श्याम सुंदर के दर्शन नहीं करे हैं, मैया यशोदा की लाला के दर्शन नहीं किए हैं? नहीं सुदेवी, जब मैंने यह ब्रजमंडल में रह के काहू पुरुष को मुख ही नहीं देखे तो मैंने उनके दर्शन कहां सो कर लिए, न मैं कोई इच्छा रखू हूँ। चित्रा जी, यदि आप एक बार मैया के लाला को देख लोगी ना, तो मैं आपसे सत्य कह रही हूँ, जो आपने ये अखंड ब्रह्मचारिणी हवे को संकल्प लियो है ना, ये आपको व्रत नष्ट है जाए। सुदेवी, ये कहा कह रही हो आप? अरे आप मेरे पास में मेरे या अखंड नेम व्रत को बिगाड़ भी क्यों आई हो? चली जाओ, यदि यह कारण सो आई हो तो मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहूं, और कोई कार्य है तो आप आज्ञा करें। चित्रा जी, आप तो रुष्ट रह गई, मैं आपसे सत्य कह रही हूँ, वह नंद की लाला पुरुष नहीं पुरुषोत्तम है, नर नहीं नारायण है, एक बार आप उनके दर्शन तो करो, उनने तो यह अभय मंडल में बड़ी बड़ी लीला करी है। अचरज यही तो अचरज है या ब्रज में सुनियो मेरी माई भाग रहे हैं। सुदेवी, आप कह रही हो श्री कृष्ण साधारण मनुष्य नहीं? हाँ, साधारण नहीं है, श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के अवतार हैं। हाँ, छोटी सी अवस्था में उन्हें पूतना को मारे हो, कालीनाथ को नाथ। हाँ, गिराज पर्वत को अपनी कनिष्ठ की उंगली पर उठा लियो, गिरिराज पर्वत को उठाए हो। हाँ, मेरी समझ में नहीं आ रही, मैं नहीं मानूंगी सुदेवी कि श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के अवतार, जब तक मैं श्री कृष्ण की परीक्षा नहीं ले लूंगी सुदेवी, तब तक मैं श्री कृष्ण को पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को अवतार नहीं समझूंगी। यह मेरी प्रतिज्ञा समझ लो या मेरो संकल्प समझ लो। तो आप उनकी परीक्षा लेना चाहो? अवश्य। तो फिर देर कहाँ है, परीक्षा का समय आ गया है, मैया ने आपको अपने घर बुलाया है, यही मैं आपके समीप में आई हूँ। कहा कही मोकू यशोदा मैया ने अपने घर बुलाया है? हाँ, अपने घर बुलाया है। मेरा सौभाग्य है सुदेवी, मैया यशोदा ने आज मोकू याद किया और अपने यहाँ बुलाया है, मैया के दर्शन करके आऊंगी, और मैया के ही नहीं मैं उनके लाला श्री कृष्ण के दर्शन करूंगी, और श्री कृष्ण की यही समय मैं परीक्षा हो लूंगी कि वह पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के अवतार है या नहीं है। आओ मेरे से। आओ, मैं आपको ले चलूं। चलो न
सर सुवन तुर दही मैया सदन सिधारी। देखो चित्रा जी आ रही हैं, ये मैया है, आपको स्वागत है। चित्रा जी आज्ञा करो आप। चित्रा जी कैसे आपने मुझको याद किया भैया? मैंने सुनी है कि आप बहुत सुंदर चित्र बनाए वो जानो हो, और आपको सरस्वती माँ को वरदान है कि जाको चित्र बनाओ है तो वह सहजता सु ही बन जाए है। हाँ भैया, माँ सरस्वती की कृपा सो, उनके आशीर्वाद सो मैं यह संसार में चित्र बनाऊ हूँ। जा कहू को चित्र बनाना चाहूँ सरलता सो मैं वाको चित्र बनाए दू हूँ। आप आज्ञा करें, आपको चित्र बनाना है तो मैं आपको हूँ बनाए दूंगी। ना है ना, मेरा चित्र तो ना है बनानो। मेरो एक लाला है जासू कन्हैया कहो करे है, वह हट कर रहे है अपनो चित्र बनवाएगी। आपकी लाला? हाँ, आप मेरे लाला कन्हैया को चित्र बनाए दो। आपके लाला को चित्र बनाना है कन्हैया को? ठीक है मैया, वैसे तो मैंने संकल्प लियो है, प्रतिज्ञा करी है कि मैं काहू पुरुष को मुख नहीं देखूंगी, आजीवन ब्रह्मचारिणी रहूंगी। पुरुष के नाम से मुझको घृणा है मैया, परंतु सुदेवी ने कही कि छोटे सी आपके लाला हैं, यही कारण से मैं चली आई। ठीक है, आप अपने लाला को बुलाए के मुझे दर्शन करा दो, दिखा दो, फिर मैं वैसे ही चित्र उनको बना के आपको दे दूंगी। चित्रा जी कहा आपने, कहो मेरे लाला ना देखो। नहीं मैया, मैं पुरुष को मुख ही नहीं देखूं, आवश्यकता ही नहीं पड़े है, कहां से मैंने आपके लाला के दर्शन कर लिए। ये तो बड़े आश्चर्य की बात सुन रही हूँ, एक आप हो जाने मेरे लाला ना देखो। अरे मेरे लाला तो बड़ो ही नटखट है, सब ब्रज गोपीन के घर में डोले है, काव के चीर वस्त्र को लेके कदम पे चढ़ जाए, काव की मटकी हो जावे, काव के घर चोरी कर लावे, सब ब्रज गोपी मेरे यहाँ उड़ानो लेके आवे, और एक आप हो के आपने मेरे लाला देखो ही ना है। नहीं भैया, मैंने नहीं देखे। ठीक है, तो मैं अपने लाला को बुलाऊं, तुम देख लियो। हाँ बुलाओ, दर्शन करा दे उनके। अरे कन्हैया, ओ कन्हैया, लाला बेटा देख, ये चित्रा जी आई हैं। ये चित्रा जी? हाँ। अरे हाथ ना करे बेटा, ये ही तेरा चित्र बनाऊंगी। ये? हाँ ये बनाएंगी। हाँ मैया, मैया मुझे तो यही चित्र सी लग रही है। ऐसे ना कहो करेंगे नहीं, बहुत सुंदर चित्र बनाऊंगी तेरो मैया। यही है, यही है मेरो लाला, यही है। मैया सुन सुन सुन, चित्र सुंदर नहीं बनाओ तो सखा बहुत रोएगो, तू ध्यान रखियो मैया। यही मेरे अंधेरे घर का उजियारो है, अयाई को चित्र बनाना है आपको। तो मैया आप अंधेरे घर के उजियारे को ने सूदो ठाड़ो कर दियो। कन्हैया हाँ, अब तू सूदो ठाड़ो है जा। हाँ चित्र बनवावे को ना सूदो ठाड़ो, पर सूदो ठाड़ो होनो तो मो पे आवे ना है। अरे सूदो ठाड़ो है वो ना आवे तो कु जैसे चित्र बनवानो है ना वैसे ठाड़ो है जा। चल इन्हें देख के लग रही, एक बार फिर सोच ले तू रहन दे। अरे ये चित्र बनाए दिंगी बेटा। ठीक है हाँ, ठाड़ो है जा। अरे तू गई ना अभी तक, और चित्र यार यार भेज दे, तू जाते हो? मैं जा रही हूँ। अब तू ठाड़ो है जा, बच्चू ना आना मैं चित्र में। जनते पोषत कुमारी
ले जा। लगन नगरी अद्भुत रूप अनूप छवि आज तक मैंने कहूं को नहीं देखियो। इनकी सुंदरता तो वह काम देखो लज्जित करे है। अरे एक काम देव तो कहा कोटान कोट काम देवन कुहु इनके ऊपर न्योछावर कर दियो जाए वह वो इनकी क्षमता नहीं कर सके हैं। इनके रोम रोम सो कैसी कांति झलक रही है मंद मुश्कियान मेरे हृदय में गड़ी जा रही है। कैसे मैं इनको चित्र बना पाऊंगी। ये चित्रा परंतु यह समय तो मैं बावरी है गई मैया के पास चित्र बनाए भी तू आई कहाँ गए हो मेरे घर में कोई भूत बला लग गई है। चित्रा जी मैया आपने देख लिया मेरा लाला। हाँ मैया देख हाँ वहाँ ठाड़े रह रहे के तो मैं वैसे चित्र बन जाऊंगो और कितनी देर ठाड़ रहो। अरे बस अब तो को देख लिया अब तेरा चित्र बनाए देंगी। चित्रा जी तुम कब तक चित्र बनाए देंगी। कल संध्या तक बनाए के ले आऊंगी। कल ले आओगी। कल रात काल तक क्यों ना ला रही ना सांझ तक ले आऊंगी। सांझ को ले आऊंगी कल मैया मैं दे दे तो ना कल चल संध्या तो है ही गई है अब। हाँ अब प्रातः काल तो बनाऊंगी तो संध्या तक ले आऊंगी। ठीक है हाँ ठीक चल बहुत सुंदर है आपके लाला मैया तो कल ले आई है सामने लिया। और देखो चित्रा जी आप यो संकोच मत करियो कि मैं वैसे ही चित्र बनवाऊंगी। चित्र बनाए के उपलक्ष में आप मुझसे जो मांगोगी ना आपको मैं वही वस्तु दूंगी। बस आपको आशीर्वाद बने रहे मैया। पर कल प्रातः काल तक बनाती हूँ।
अरे दारी के हटना करें, सांझ तक बन जाएगा। चल आ जा। तू तो मैया मेरी बात माने ही मत। लोग कोई कहा कहेंगे कहां गई बावली है क्या ही? चित्रा ने गई है। अस्तुति निंदा करो रे भले कोई, अस्तुति निंदा करो भले कोई, मेड़ चली अवस्था को देखेंगे, अवस्था को देख के मेरी हंसी करेंगे, मेरी निंदा करेंगे। मुझको इस संसारी लोगन की चिंता नहीं है, चाहे ये लोग मेरी हंसी करें या निंदा करें, मैं तो शाम के रंग में रम गई। इनकी मूरत को देख के इनके हाथ बिक गई, मैं तो बिक गई। परंतु मैया सु कह के आई हूँ चित्र बनाऊं, तो अब चित्र बनाए हुए बैठ जाऊं, देखूं चित्र बने हैं कि नहीं बने हैं। अरे भैया सुबल तो सोशी दामा मत मंगल आ जाइयो रे। राम राम। क्या भैया? राम 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 राम। कैसे बुलाए, क्यों बुलाए, कब बुलाए, कौन कौन बुलाए, काय के लिए बुलाए, झट पट सट कह दो। बस तू ही बुलायो, इतना सब ना बुलायो। मैं? हाँ, क्या कर रहे तू? करूँ कछु ना, मैं 1,25,000 गायत्री को जाप कर रहा हूँ जमुना किनारे। अरे 1,25,000 गायत्री को जाप? हाँ, गायत्री मंत्र। अरे तो एकाद पन्ना हम पढ़ के सुना रहे, कैसे जाप कर रहे तू? प्रातः काल 4 बजे उठे। अच्छा। सो के। अच्छा। जमुना जी में नाक पकड़ के 108 गोता लगा में। जाड़ेर में। और का नाक पकड़ के। नाक पकड़ के। हाँ। नाक नहीं पकड़े तो जो काम है लेकिन शंका है। जालिए 108 गोता लगा में। ठीक है। तो 108 गोता लगा के फिर एक पाम के ठाड़े है के। हाँ। सूर्य नारायण माई पीठ करके। सूर्य नारायण मैं पीठ करके। हाँ जी। ये कौन सा तेरा जाप है भैया? समझ ना रहे आप? समझाओ। ये आयुर्वेदिक औषधि है। आयुर्वेदिक औषधि? आयुर्वेदिक वो है ना, ठंड लग जाए जमुना में नहाए थे 108 गोता लगाए थे। अच्छा। तो कमर में दर्द रहने की आशंका है। अच्छा। तो सिकती है। अच्छा। आराम के सिकती है, लकड़िया जराने की आवश्यकता ना। बहुत चतुर है, पंडित है, ज्ञानी है। ज्ञानी है? भोजन भट्ट लठ गमार ऐसी बात। अच्छा अच्छा ठीक है। और फिर प्रार्थना करें एक पाम तो ठाड़े रहते। हाँ, कैसे? कि उर्दस्यदारम और कनकस्य फुलका घृतम छटाकम अंतेक मिर्चा दार भात समायुक्तम और फुलका दुखभंजनम सर्व पाप हरे पूरी कचौरी मोक्ष दायकम। ये तो भोजन गायत्री को जाप है भैया। अभी कहा कह रहे हमें? ये तो पेट की बता रहे। मैंने एक दिन पूजा कर तो देख लियो ये। अच्छा। अच्छा सुन मधुमंगल। हाँ जी। बहुत देर है गई, कछु खेल ले। खेल खेल। हाँ। खेल लो, हमारा पुराना काम है। चल बता कौन सा खेल खेलेंगे। कोई नई बात है? हाँ देखिए कह रहे हो ना। नया? हाँ नया खेल बता। नया खेल बता भैया। तो कौन सा खेलेगा मेरे संग बता दो। हम खेलेंगे तेरे संग। आप खेलोगे? हाँ। तो एक काम करो। कौन सा बोल? आप माँ ठाड़े हो जाओ और मैं यहाँ ठाड़ो। अच्छा ठीक है गई। एक दलिया में ले लो लड्डू। अच्छा। आप मेरे भौ में लड्डू मारो और मैं लंगो पत्थर, मैं आपके भौरे में पत्थर मारूंगा। ठीक ठीक।
खेल बहुत बढ़िया बताया। अब हम एक खेल बताएंगे तुमको जी, बता मैं बोल। तुम हमारे घोड़े में उंगरिया करो, हम तुम्हारी आंखें में उंगरिया करें। उंगरिया की उंगरिया खा जाओ, आंखें में आंखें में फोड़ दो। ये तो खेल है, ये खेल ना। अरे अरे मैं बताऊं एक नया खेल। आज तो रामलीला रामलीला खेलेंगे, कल तक खेलेंगे। जाए सारे रामलीला की पड़ रही है दशहरा, आयो ना पहले पे। पहले पे रामलीला तू जानिए खेलवा चाहे तो रामलीला में पूछेगा जो कुछ पूछेगा। गमारा में धीरे धीरे बोलो, धीरे ना बोले हम पे। अरे अभी तो अभ्यास करेगा तो कर सके, नहीं तो ना करेगा। अच्छा सुन, देख रामलीला रामलीला खेलेंगे। कन्हैया भैया तो है वो राम जी, बहुत सुंदर, और मैं है वो लक्ष्मण जी, और इस चावल और सुन ले सुन ले, और जा बना दियो सुपर खान। कौन है जी? आओ वो पंचवटी पर भैया कन्हैया के पास कमीशन भागल ले। कन्हैया भैया कहेंगे कि मैं नहीं कर लो, लक्ष्मण जी के पास जा। जी मेरे पास आओ वो, मैं जाके सब लोग क्या करूंगा, कैसे जाके नाक और कान में काट दूंगा वो। मैं फिर भैया वो या खेले तो खेल ही ले, सुना बहुत सुंदर लगेगा। अरे सुन भैया दादा, रामलीला ही खेलनी है तो हम बताएंगे, पंडित जी ने हमें बहुत दिन जो रामलीला करी है सबरे रामलीला करनी है तो रामलीला करो, पर एक काम करो। देखो आप तो राम जी बन गए और हमारे भैया छोटों में चाहिए ना राम जी, तो ये लखन लाल जी बन जाओ है, और मैं कहा बनूंगा लंका जय जय श्री राम। ओ भैया तो अभी तो होने लग गया, जय जय श्री राम। ठीक, मैं बनूंगा हनुमान। अच्छा फिर, और जी बनेगा लंका, और मैं जाने आग लगाऊंगा। भैया तुम्हारे खेल देख रहे आंख मिचौनी खेलेंगे, ठीक है? चलो आंख मिचौनी, ऐसे ऐसे खेलने ला रहे हो, ये का है रोल? रुक जा भैया, है का रोल ये? खेच रहे तेरह नंबर आ गए वो सबके पीछे, या की बारी आ गया जी? सुनो खेचनी है, खेच के खेलो ना ना। हाँ, का, बात का है, सुनो। अब तू यहाँ बता, चल पहले बात बता दो भाई। क्यों आंख में चोने खेले घोड़ा कैसे बनेंगे? पहले आंख ही सुन, बात तो बताओ, बात का है? मैंने कोई अपराध कर दिया? अपराध ना भैया, तू तो निरपराध ही है। खेचा खेच, यही तो खेल है खेचा खेची को। अरे अब अरे सांस ही ना आ रही होगी। हाँ ना ना के तो निकाल दो। सही है, अब क्या करूं? अब तू हमें छी भैया, हम तेरी पीठ पे थप्पड़ मारेंगे जोड़ते, तू हमें छी जो। हाँ पकड़ भैया, मोही प्यारी ला करने लगे विश्राम। हार गए कन्हैया, हार गयो, थक गयो, अब कन्हैया की सेवा करो। सुन ले भाई, तू सेवा कैसे करेगा? सखा तकिया बने ये तो तकिया बने।
वो तकिया बने वो तकिया और ये गावे वो कहा और वो रोवे वो और मैं और तू कन्हैया के चरण दबाएंगे। एक पाने मैं दबाऊंगा, एक पाने तू दबाएगा। हम दबाएंगे ठीक। आओ